सिमर के ससुराल में आज अवनी पीयूष का ख्याल रखने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। जी हाँ, पीयूष को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसीलिए अवनी पीयूष के पास ही रहती है। देखिए तो जरा पीयूष की कितने प्यार से केयर कर रही है अवनी। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे तुम्हारी जरूरत है? कैसे है तुम? जब एक दोस्त को दूसरे दोस्त की जरूरत होती है तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान ने खुद भेज दिया। अब देखिए ना, रोशनी की फोटो देखकर पीयूष को पड़ गया दौरा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि पीयूष की याददाश्त वापस आ गई है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान ने तुम्हें भेजा तो फिर तुम हमेशा मुझे साथ ही होगी ना? कभी मुझे छोड़ के वापस तो नहीं चले जाओगे? पहले तुम सो जाओ, चलो बहुत रात हो चुकी है, तुम लेटो। मनु लेटो, सो जाओ। वैसे पीयूष के लिए तो अवनी सब कुछ हो गई है, तभी तो पीयूष को हर पल हर लम्हा यही बात सताती रहती है कि कहीं अवनी उन्हें छोड़कर ना चली जाए। लेकिन अवनी को देखकर तो ऐसा लगता है कि पीयूष के लिए कहीं ना कहीं उनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर आ गया है। पीयूष की हालत देखकर सिमर होती हैं बेहद परेशान और अवनी को बताती हैं कि आखिर पीयूष की ऐसी हालत हुई कैसे। कितना हाल तक ये रहता था मेरा पीयूष, एक बात पूछो अंकित जी, मनु की हालत हुई कैसे? आइए पीयूष के पास ही चलते हैं, जिनकी आज अवनी बड़े ही प्यार से केयर कर रही है। अवनी आजकल हर चीज का ध्यान रख रही है मेरा और बहुत केयर कर रही है मेरी। एंड एक्चुअली दौरा मुझे पड़ता है जब मैं रोशनी का फोटो देख लेता हूँ एंड उसके बाद मैं चिल्लाता हूँ जोर से रोशनी, एंड लोगों को बाकी घर वालों को ऐसा लगता है कि शायद मेरी याददाश्त वापस आ गई है, पर ऐसा हुआ नहीं है। अभी मैं बच्चा ही हूँ लेकिन उसकी वजह से मेरी जो तबीयत है वो खराब हो गई है। मुझे खांसी वासी उठती है, मैं पानी पीता हूँ तो धसका सा लग जाता है। तो अवनी आती है और मुझे बोलती है कि भगवान ने मुझे तुम्हारे लिए भेजा है। तो मैं बोलता हूँ अच्छा, अगर भेजा है तो फिर तुम मुझे कभी छोड़ के वापस तो नहीं चली जाओगी ना? तो बोलती है, तो वो शी डजंट से एनीथिंग एंड शी सेड यू गो बैक टू स्लीप, एंड वो ऐसे करके पुचकार के बच्चे को सुला देती है। तो क्या लगता है पीयूष कि अवनी का आपसे कोई कनेक्शन हो गया है क्या? आई थिंक कनेक्ट हो जाता है इंसान जब किसी के साथ रहता है बहुत टाइम तक। एंड अभी उसको ये भी पता चल रहा है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, रोशनी इज नो मोर और मैं कैसा हो गया हूँ, मैं पहले कैसा था। तो धीरे धीरे आई थिंक कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर उसके दिल में आ रहा है मेरे लिए, बट ऑब्वियसली कोई और भी शायद उसकी जिंदगी में है। एंड वो एक कॉन्फ्लिक्ट आई थिंक उसके दिमाग में है कि ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं, यू नो, ये सॉफ्ट कॉर्नर एक बच्चे के लिए जो बड़ा है, तो उसको आई थिंक अभी क्लियर नहीं है कि वो क्या सोच रही है। वो इस बच्चे वाले पीयूष से प्यार करने लगी है या पीयूष से प्यार करने लगी है, जस्ट एक वो है कि केयरिंग है उसके लिए। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं उसको क्लियर नहीं है अभी दिमाग में। एंड पीयूष को बहुत क्लियर है कि यू नो अवनी इज एवरीथिंग फॉर मी। ओह, तो ये बात है। चलिए अब जरा अवनी से भी जान लेते हैं कि पीयूष के लिए उनके दिल में जगह वाकई बन गई है क्या। वेल आई वुड से कि अवनी हैज़ अ वेरी प्योर हार्ट, बहुत साफ दिल की है लड़की और उसमें ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं है उसके दिमाग में। वो अपनी माँ को ब्लाइंडली फॉलो करी है, उसकी मॉम थोड़ी मनी माइंडेड है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटिस्ट है। तो उसके लिए बस ये है कि उसके शायद कोई और है नहीं दूर दूर तक उसकी मम्मी के अलावा, तो जो भी उसकी माँ कहती है शी इज़ जस्ट फॉलोइंग हर, दैट्स इट। अदरवाइज उसको पीयूष को देख के उसको थोड़ा उसको बुरा लग रहा है क्योंकि इंसानियत भी है और उसका भी दिल बहुत बहुत सॉफ्ट है, बहुत बच्चों वाला दिल है उसका। कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर तो पीयूष के लिए अवनी के दिल में आ ही गया है, लेकिन चालबाज माँ की वजह से अवनी मजबूर है। वेल अवनी, आगे सीरियल में और कौन कौन से ड्रामे देखने को मिलेंगे?
ट्विस्ट मुझे लगता है मेरी मॉम काफी ज्यादा लाने वाली है, और क्योंकि मैं उनको ब्लाइंडली फॉलो करती हूँ अभी, तो हम दोनों की तरफ से कुछ तो आएगा जल्दी, बहुत जल्दी, और बहुत क्यूट कॉमिक होगा और थोड़ा इमोशनल ड्रामा भी होगा। भाई अवनी ने तो साफ कह दिया है कि उनकी माँ अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगी, तो ऐसे में अवनी क्या करेगी ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। अक्सा अगबानी सिद्दीकी, E24।